जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान RBL में। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो आपका जूनियर असिस्टेंट 2022 की भर्ती थी, जो जिसका एग्ज़ाम अब होने वाला है, ठीक है, उसको लेकर के एक बहुत बड़ी नोटिस आ चुकी है। भर्ती बोर्ड की लेटेस्ट नोटिस आज ही जारी हुई है। क्या है ये? टाइपिंग और एकेडमिक को लेकर के नोटिस जारी हुई है। क्या टाइपिंग होगी, क्या एकेडमिक होगा या नहीं, इसके बारे में पूर्णतः दोस्तों आपका संशय समाप्त कर दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए पहली चीज़, एक चीज़ और बता दूं मैं, ठीक है, कि नोटिस से क्या है उसके बारे में बताऊं। उससे पहले मैं कुछ चीज़ें बता दूं आपको। देखिए अभी बच्चों को बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि सर बताइए कि परीक्षा के कितने दिन बाद टाइपिंग होगा, यानी टाइपिंग के समय कितना समय मिलेगा, यानी परीक्षा और टाइपिंग के बीच हमें कितना समय मिलेगा। इस पर दोस्तों हमने फुल प्रूफ देते हुए पूरी अपने एडमिट कार्ड जारी करते हुए दिखाते हुए सब कुछ बताया है कि कितना समय लगेगा। इसका वीडियो मैंने बना दिया, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, या फिर दोस्तों आप हमारे चैनल पे जाकर के देख भी सकते हैं, ठीक है। सब कुछ बहुत अच्छे से बताया। इसके अलावा मैं बता दूं कि देखिए अभी जिन बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है इसमें पेट के स्कोर में, वो हमारे इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं 249 रुपये में, सफलता बैच जूनियर असिस्टेंट के लिए, ठीक है। इसमें मैं आपको बता दूँ कि आपको हिंदी, GK, ठीक है, और कंप्यूटर संपूर्ण पढ़ाया जाएगा दोस्तों, ठीक है। केवल और केवल रीजनिंग की दोस्तों मैं गारंटी नहीं लेता हूँ, रीजनिंग आप कहीं से पढ़ सकते हैं, या फिर अगर ज़्यादा समय वक्त मिला 3 महीने से तो मैं रीजनिंग भी आपको पढ़ा दूंगा मात्र 249 रुपये में। कैसे मिलेगा? तो आप जाइए ज्ञान RBL ऐप पर, वहाँ आपको ये कोर्स मिल जाएगा सफलता बैच। देखिए 249 रुपये में मिलता क्या है, एक बार भरोसा करके देखिए। यहाँ आपको वीडियो मिलेंगी और आपको प्रतिदिन की PDF भी वहाँ पर डाल दी जाएंगी, और बहुत ही अच्छे तरीके से। मैं बता दूं, मैंने 2 बार खुद दोस्तों जूनियर असिस्टेंट का पेपर क्रैक किया है, ठीक है। अभी मैं जूनियर असिस्टेंट में सिलेक्टेड हूं। इसके अलावा संजीव सर हैं, इन्होंने भी अभी दोस्तों हाल ही में जूनियर असिस्टेंट में सिलेक्टेड हुए। तो दोस्तों आपको दो दो टीचर सेलेक्टेड विथ गाइडेंस के साथ आपको मिला, और मैं टाइपिंग की भी बेस्ट गाइडेंस आपको दूंगा पेपर के बाद, ठीक है। तो मात्र 249 रुपये में ज्वाइन कर लीजिए। अब देखिए एक हमने, अगर मॉक टेस्ट आप चाहते हैं कॉम्बो ऑफर 15 से 20 जुलाई तक के लिए दोस्तों, मात्र 399 में आपको 8 तरीके के टेस्ट मिल जाएंगे, ठीक है। हमारे ऐप पर मिल जाएगा, आप जा करके ज्ञान RBL ऐप पर अगर कोई प्रॉब्लम आती है दोस्तों, इस नंबर पे आप फोन करके या फिर साथियों व्हाट्सएप करके पता कर सकते हैं। इसके क्या क्या मिलेगा, तो पहली चीज़ जूनियर असिस्टेंट का आपको मिल जाएगा लेटेस्ट पैटर्न पे, जो 100 नंबर के 100 क्वेश्चन, ठीक है। यूपी पुलिस का टेस्ट मिलेगा, UPSI का मिलेगा, रेडियो हेड ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑपरेटर, वर्कशॉप, और SSC GD और PD, ये 8 एग्जाम दोस्तों आप सोच सकते हैं मात्र 399 रुपये में, ठीक है। और 1 साल की वैलिडिटी के साथ मात्र 5 दिन का दोस्तों ऑफर है, तो जा करके एक बार जरूर ज्वाइन करिए, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं नोटिस पर। साथियों क्या है नोटिस, तो मैं आपको बता दूं, देखिए ये आज का 15 जुलाई है और आज ही नोटिस जारी हुई UP SSSC, ठीक है, यानी कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, पिकअप भवन तृतीतल गोमती नगर लखनऊ, 15 जुलाई। आप देख सकते हैं आवश्यक सूचना, क्या बताया गया इस सूचना में कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के विज्ञापन संख्या 08 परीक्षा 2022 सम्मिलित कनिष्ठ सहायक मुख्य परीक्षा के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के विभिन्न विभागों के नियंत्रणाधीन कनिष्ठ सहायक के कुल पद कितने, 1262 पर, कितने पद हैं टोटल, 1262 पदों पर चयन हेतु भारत के नागरिकों से 21/11/2022 से लेकर के 14/12/2022 तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। ये चीज़ आपको पता होगा, ठीक है। और आपको पता, जिन बच्चों ने दोस्तों ये आवेदन किया था इस पदों के लिए, उनका परसों दोस्तों पेट की कट ऑफ भी जारी कर दी गई है। हाँ, जिसका हुआ है दोस्तों वो हमारे बैच से जुड़ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कहा क्या गया है कि उक्त विज्ञापन के प्रस्तर चयन के आधार पर केवल लिखित परीक्षा, यानी जो चयन का आधार होगा केवल और केवल इस बार लिखित परीक्षा होगा, यानी कि एकेडमिक का कोई भी मार्क नहीं दिया जाएगा, एकेडमिक बिल्कुल हटा दिएगा, वो पहले से ही स्पष्ट हो चुका है। जिनको कन्फ्यूजन वो आज सुन लें, ठीक है। केवल दोस्तों चयन का आधार केवल और केवल लिखित परीक्षा होगा, के क्रम में विज्ञापन के प्रशस्त 10 में प्रकाशित परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम में शैक्षिक अर्हता के आधार पर दिए जाने वाले, देखिए शैक्षिक अर्हता यानी एकेडमिक वाले, दिए जाने वाले 30 अंक तथा खिलाड़ियों को दिए जाने वाले 5 अंकों की व्यवस्था को परीक्षा योजना से समाप्त करते हैं, यानी कि जो 35 अंक का दोस्तों होता था, 30 अंक का एकेडमिक और 5 अंक का दोस्तों खिलाड़ी, वो समाप्त कर दिया गया। देखिए साफ साफ लिखा, यानी एकेडमिक आपकी पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया है, करते हुए शासन द्वारा अनुमोदित लिखित परीक्षा हेतु 100 अंकों का दोस्तों 100 अंक 100 मार्क्स के कर दिया गया है। योजना एवं पाठ्यक्रम को आरोप आयोग की आवश्यक सूचना संख्या इतने में इतना प्रकाशित कर दिया गया था, तो आपको पता है,
ठीक है। और देखिए ये हो गया एकेडमिक, तो एकेडमिक बिल्कुल समाप्त हो चुका है, समझ लीजिएगा। अब देखिए दूसरा पॉइंट देखिएगा, उक्त के साथ अभ्यर्थियों को यह भी सूचित किया जाता है कि विज्ञापन के प्रस्तर 6.2 में उल्लिखित है कि अभ्यर्थियों के लिए हिंदी व अंग्रेजी टंकण में क्रमशः, देखिए हिंदी और अंग्रेजी टंकण, देखिए बहुत से बच्चे का सर इसमें तो टाइपिंग नहीं थी, इसमें टाइपिंग नहीं बता रखा है, तो अब सुन लो, मैंने पहले बताया था टाइपिंग थोड़ी हटाएंगे जूनियर स्टूडेंट से, होगा टाइपिंग। तो अब देखिए बताया गया है कि हिंदी की स्पीड कितनी, 25 शब्द पर मिनट, ठीक है, हिंदी कितनी स्पीड, 25 शब्द पर मिनट, और अंग्रेजी टंकण की कितनी स्पीड होनी चाहिए, 30 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति होना आवश्यक है। यानी देखिए, और आपको बता दें कि टाइपिंग का कोई नंबर नहीं मिलेगा, आपका सिलेक्शन होगा केवल और केवल 100 नंबर के आधार पर, टाइपिंग केवल पास मार्किंग होगा, ठीक है। तो न्यूनतम गति होनी चाहिए, यानी 25 हिंदी और 30 इंग्लिश, ठीक है। अब जिसके परीक्षण हेतु प्रथम चरण की लिखित परीक्षा के आधार पर टंकण परीक्षा हेतु अहर घोषित अभ्यर्थियों की द्वितीय चरण में टंकण परीक्षा परीक्षण दोस्तों लैपटॉप या फिर कंप्यूटर पर आयोजित की जाएंगी। यह टंकण परीक्षा अहरकारी प्रकृति की होंगी, मतलब इसका कोई भी मार्क नहीं होगा, केवल ये पास मार्क होगा, ठीक। पास आप कर लेते तो आप आगे चरण में जाएंगे, ठीक है। इसमें क्या कहा गया, पहले आपका लिखित परीक्षा के आधार पर, यानी लिखित परीक्षा में अगर आपके अच्छे नंबर आते हैं तब आपको टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा, ठीक। तो ये चीज़ कहा गया है, यानी कि आपके सारे सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कुछ लगता है कि आपको कुछ छूट गया, हाँ एक चीज़ मैं और बता दूँ, अगर टाइपिंग के लिए आप पूछना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूँ कि आपकी हिंदी जो होती है, हिंदी, ठीक है, हिंदी में आप चाहे मंगल कर लें, चाहे आप मंगल सीख लें, और चाहे आप सीख लें कुर्ती देव, दोनों की दोनों दोस्तों इसमें मान्य होती हैं, ठीक है, दोनों की दोनों मान्य होंगी। और स्पीड दोस्तों आपको 25 देना होगा, ठीक। इंग्लिश में तो एक ही टाइपिंग होती है, पहले मैं आपको बता दूं कि 5 मिनट की टाइपिंग होगी इंग्लिश की, फिर उसके बाद 1-2 मिनट का गैप होता है बीच में, फिर से 5 मिनट की दोस्तों हिंदी की टाइपिंग होगी, ठीक है। आप चाहे कुर्ती देव में करें, चाहे मंगल में करें, ठीक है। अगर फिर भी कोई डाउट है आपको इससे लेकर के टाइपिंग से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम आपके हर एक डाउट्स को क्लियर करेंगे। और मैं दोबारा ही कहूँगा कि अगर आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है दोस्तों, आप अभी से जुड़ जाइए, क्योंकि आपका सिलेक्शन अगर इसमें हुआ है, नाम आया, तो आप हमारे बैच के साथ जुड़ सकते हैं, जिसपे आपको हर एक चीज़ बहुत ही बेहतरीन ढंग से दोस्तों करवाने वाले हैं, ठीक है। कि देखिए ये आपका बैच है, 249 रुपये मात्र, और आपको किसी प्रकार की अगर प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों, इस नंबर पे हमें मतलब पूछ सकते हैं, इंक्वायरी ले सकते हैं। कैसे आपको मिलेगा, तो आप जाइए प्ले स्टोर पर, वहाँ आपको ज्ञान RBL ऐप मिल जाएगा, हमारा लोगो लगा हुआ मिल जाएगा, जा करके आप उसको डाउनलोड करिए और वहाँ से आप ये बैच परचेस कर सकते हैं मात्र 249 रुपये में दोस्तों, ठीक है। और अगर आपको टेस्ट चाहिए तो टेस्ट के लिए आप ये 399 रुपये में दोस्तों, 1 साल की वैलिडिटी के साथ टोटल 8 एग्जाम्स की तैयारी के लिए कर सकते हैं। किसी भी जानकारी के लिए आप इस नंबर पर फ़ोन, व्हाट्सअप, कुछ भी कर सकते हैं। बाकी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और एक बार मैं यही कहूँगा, अगर आप चाहते हैं वास्तव में सिलेक्शन पाना, तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।